हेलो दोस्तों, आज का इस वीडियो में आप देखने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में। इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लासेस नंबर वन, उसका इंट्रोडक्स देखेंगे। यहाँ पे उसका इंट्रोडक्स देख सकते हैं आप, इंट्रोडक्स और टेबल देखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस एंड देयर एप्लीकेशंस एंड पेपर साइज, और उसके बाद स्केल के बारे में देखेंगे, स्केल क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं आज का इस वीडियो को। तो पहले हम देखेंगे इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग क्या है। इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। यहाँ पे देख सकते हो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। इट इज ए व्हीकल्स एक्सपेंस फॉर डिजाइनर एंड इंजीनियर्स डिजाइन रिकॉर्ड एंड कन्वरी देयर आइडिया बाय मींस ऑफ ड्राइंग। इंजीनियरिंग डिक्रीज्ड स्ट्रक्चर मींस आपका इस सब जरूरत नहीं है, ओनली एक ही जो पॉइंट है, इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स से उसका आया है इंजीनियरिंग ड्राइंग। विदाउट डीप साउंड नॉलेज इन ड्राइंग इंजीनियर विदाउट कंप्लीट फेलियर, ये सब कुछ जरूरत नहीं है, ओनली इतना ही उसका पॉइंट है, पहला पॉइंट लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। और क्या, व्हाट इज इंजीनियर, व्हाट इज इंजीनियरिंग ड्राइंग, ईडी मींस उसका मींस क्या है, मींस कोई भी एक ड्राइंग, कोई भी ड्राइंग में उसका शेप एंड साइज, उसका कुछ रेफरेंस और रेशियो रहता है, उसी को इंजीनियरिंग ड्राइंग बोलते हैं। मींस आप एक कॉमन ड्राइंग बनाते हो लेकिन उसका कुछ डायमेंशन नहीं रहता है, लेकिन आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग में सम डायमेंशंस और उसका कुछ वैल्यूएबल रहता है, स्टैंडर्डाइज रहता है। चलिए शुरुआत करते हैं, ये तो था उसका इंट्रोडक्स। आप अलग भी देख सकते हैं, बहुत सारा उसका डेफिनेशन मिल जाएगा आपको गूगल पे। चलिए अभी देखेंगे टाइप ऑफ लाइन एंड देयर एप्लीकेशंस। पहले जो हमारा है टाइप ऑफ लाइन, टाइप्स ऑफ लाइन एंड देयर एप्लीकेशंस देखेंगे। लाइन क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन, और उसका वो जो लाइन है, लाइन को कहाँ पे यूज करते हैं। तो पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव एट द एंड ऑफ द लेसन, ट्रेनर अवेलेबल, वो सब जरूरत नहीं है। तो लाइंस क्या है, लाइंस बाहर वेरियस टाइप ऑफ लाइन यूज जनरली इंजीनियरिंग ड्राइंग शो इन दिस फिगर। यहाँ पे ये सब उसका डिटेल्स दिया है। देन लिंक थिकनेस, दे आर थिकनेस ऑफ इंक्लूड वेरियड अकॉर्डिंग टू साइज, वो सब जरूरत नहीं है। लेस देन, हाँ उसका पहले देखेंगे लाइन का, जो हम लाइन खींचते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में और जनरल लाइन में डिफरेंस क्या है। जनरल लाइन में क्या है, कोई भी उसका थिकनेस और थिक ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, थिक हार्ड गार्ड वो सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जनरल लाइन में। बट इंजीनियरिंग ड्राइंग लाइन में क्या रहता है, उसका थिंक रहता है, थिक है कि थिन है कि ये सब इंपॉर्टेंट रहता है, और डॉट डॉट ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। पहले देखेंगे उसका थिकनेस कितना रहता है, जो लाइन हम खींचते हैं, जैसे मान लो ये एक लाइन है, इस लाइन का थिकनेस कितना रहता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका। यहाँ पे द रेशियो ऑफ थिक ऑन थिन लाइन शुड बी नॉट लेस देन 2:1, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको कॉमन क्वेश्चन आएगा हमेशा कोई भी एग्जाम में, और इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी आता है कॉमन क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन। तो क्या हमें दिया है, द रेशियो, इंपॉर्टेंट मैं मार्क कर रहा हूँ, द रेशियो ऑफ टिक ऑफ थिंक लाइन शुड बी नॉट लेस देन 2:1। देन उसका लाइन यहाँ पे दे दिया, ये उससे लेस देन नहीं होगा। उसके बाद उसका पॉइंट लाइन दे दिया 0.18, 0.25, 0.35, 0.5, 0.7, 1, 1.4 एंड 2। और एक हमेशा याद रखना, जैसे 0.18 यहाँ पे आप बोल देंगे 0.17, ऐसे नहीं होगा। जैसे ये कॉमन दिया है 0.18, 0.5, 0.35, 0.5, 0.7, 1 एंड 1.4, 2 mm, ऐसे ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, इसको नोट कर दीजिए। पहले हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का पहले जो क्वेश्चन है यहाँ पे आ सकता है, पहला क्वेश्चन मीन्स उसका लाइन्स का जो थिक और थिन कितना रहेगा, 2:1 रहेगा, और उसका जो कॉमन रहता है जो रेशियो 0.18, 0.25, 0.35, 0.5, 0.7, 1, 1.4 एंड 2 mm, ये था उसका कॉमन थिंक और थिन। और एक बात है, जब हम लाइन खींचते हैं तो कॉमनली हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग करने का टाइम में हम पेंसिल यूज करते हैं। तो पेंसिल यूज करते हैं, पेंसिल में दो कॉमन लाइन आता है, एक है मीडियम और एक है थिन लाइन। तो उसका जो यहाँ पे दिया है आप देख सकते हैं, तो लाइन ग्रुप mm, इन mm मिलीमीटर पे दिया है, मिलीमीटर पॉइंट। पहला जो आप दिया है पॉइंट टू दिया है, पॉइंट टू, और उसका थिकनेस मीडियम, उसका थिकनेस कितना रहेगा, अगर पॉइंट टू दिया है तो उसका थिकनेस मीडियम पे रहेगा। और लाइंस क्या है, आउटलाइंस, डॉटेड लाइंस, कटिंग प्लेन लाइंस,
पॉइंट टू का यहाँ पे और एक क्वेश्चन आप यहाँ पे एक आ सकता है, जब पॉइंट टू कौन सा लाइन है, मीडियम लाइन है, नहीं तो पॉइंट टू एक मीडियम लाइन है, ये लाइंस कहाँ पे यूज होता है, ये लाइंस कहाँ पे आप लोग का यूज होता है आपका आउटलाइंस, आउटलाइंस डॉटेड लाइन के लिए, कोटिंग क्लियर लाइन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट वन, पॉइंट वन क्या है, थीन लाइन, पॉइंट वन का नाम है थीन लाइन, पॉइंट वन क्या है यहाँ पे क्वेश्चन एक आ सकता है, पॉइंट वन डैश लाइन थीन लाइन, तो वहां पे उसका यूजेस क्या है, सेंट्रल लाइन, सेक्शन लाइन, डायमेंशन लाइन एंड एक्सटेंशन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, लीडर लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइंस एंड लॉन्ग ब्रेक लाइन, ये सब लाइन के बारे में मैं आपको अलग एक वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, लेकिन पहले हम उसका यूजेस देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहेगा आपके लिए। जो हमारा लाइन के ऊपर पहला क्वेश्चन जो आएगा ये है, पहला क्वेश्चन आ सकता है आपका, पहला मीन्स यहाँ पे ये तो थिक और थिन का एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये और एक क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, ये नोट कर दीजिए। डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन, कॉमनली हम टू टाइप ऑफ लाइन डिफरेंस क्या है, जैसे थिकनेस में मीडियम लाइन और थिक लाइन, जैसे पॉइंट टू आपका मीडियम लाइन, पॉइंट वन आपका थिन लाइन, बट पॉइंट टू लाइन कहाँ पे यूज होता है, आउटर लाइन के लिए, टोटल लाइन के लिए, कोटिंग प्लेन लाइन के लिए, पॉइंट वन आपका सेंट्रल लाइन, सेक्शन लाइन, डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइंस, कंस्ट्रक्शन लाइन, लीडर लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइंस एंड लॉन्ग ब्रेक लाइंस। देन देखेंगे ये जो लाइन है आपका मीडियम लाइन, थिन लाइन और इसका जो ये वेल्यूबल दिया है 0.18 सब एक ही पेंसिल पे तो नहीं होगा ना, एक ही इक्विपमेंट्स पे नहीं होगा ना ये सारा लाइन्स, हाँ होगा पॉसिबल है, वो आपका आपका डिपेंड है, लेकिन उसके लिए अलग अलग पेंसिल्स भी अवेलेबल होता है, जैसे H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, ये सब अलग अलग पेंसिल अवेलेबल रहता है, और मैं उसका पेंसिल का यूजेस भी आपको बताऊंगा, 2H कहाँ पे यूज होता है और 3H कहाँ पे यूज होता है और कौन सा H हमारा कॉमन यूज होता है इंजीनियरिंग पे, ये भी नोट कर दीजिए। जैसे दे आर अवेलेबल इन मार्केट पेंसिल लीडरबल लिबरल मीन्स आपका जो नीडल रहता है पेंसिल का ऊपर, यहाँ पे ये देख सकते हो ये है पेंसिल का नीडल्स, उसका ये नीडल के ऊपर डिपेंड करता है, नीडल के ऊपर डिपेंड करता है और उसको स्पेसिफाई दिया है एच, ये मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, एच, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, ये उसका स्टैंडर्डाइज है पेंसिल्स का। देन देखेंगे पेंसिल का टेबल और पेंसिल्स, टेबल ऑफ पेंसिल्स यहाँ पे दिया है लाइन्स और एच, मीन्स आप मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ जो पॉइंट टू मीडियम लाइन और पॉइंट वन थिन लाइन था और उसका लाइन्स कहाँ पे यूज होता है, लेकिन वो लाइन्स के लिए कौन सा पेंसिल यूज करते हैं, यहाँ पे देखो इनिशियल वर्क और कंस्ट्रक्शन लाइन्स, इनिशियल वर्क कंस्ट्रक्शन लाइन हमारा कौन सा था ना, हमारा मीडियम थिन लाइन था, उसके लिए कौन सा पेंसिल यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं एच, उसके लिए एच पेंसिल यूज करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो लाइन इनिशियल वर्क मीन्स इनिशियल वर्क आप समझ सकते हैं, इनिशियल वर्क और कंस्ट्रक्शन लाइन, इनिशियल वर्क कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए हम यूज करते हैं एच, एच पेंसिल यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा आउटर लाइंस, आउटर लाइंस के लिए कौन सा था उसका पॉइंट टू और मीडियम, तो आउटर लाइंस डॉटेड लाइंस, सेक्शन प्लेन लाइंस, डायमेंशन लाइंस, एरो हेड लाइंस, ये लाइंस के लिए कौन सा पेंसिल यूज होता है 2H, यहाँ पे ये देख सकते हो टू एच, ये लाइन्स के लिए हमारा 2H पेंसिल यूज होता है। देन सेंट्रल लाइन और सेक्शन लाइन के लिए 3H एंड 4H, 3H और 4H यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट भी आपका आप क्लियर रहेगा, मैं जितना भी इसमें बताऊंगा ये क्लासेस पे वो उतना आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, तो ये नोट कर लीजिए कौन सा लाइन के लिए कौन सा पेंसिल यूज होता है। नेक्स्ट देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन्स और उसका एप्लीकेशन, जनरल एप्लीकेशन, तो यहाँ पे ये देख सकते हो लाइन्स, टाइप ऑफ लाइन्स में क्या है, पहला हमारा ए पे आएगा, ये वाला लाइन्स आप देख सकते हो लाइन्स, एंड उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया कॉन्टिन्यूस थिक लाइन, उसका नेम है कॉन्टिन्यूस थिक लाइन, सॉरी थिक लाइन, और उसका जनरल यूज विजिबल आउटलाइंस, आउटलाइंस विजिबल के लिए ये लाइन यूज होता है, जैसे ये वाला लाइन्स कॉन्टिन्यू थिक लाइन। नेक्स्ट आपका ये बी में दिया है, बी कॉन्टिन्यूस थिन लाइन, ये थिक लाइन दिया है उसका अपोजिट थिन लाइन, थिन लाइन में क्या है इमेजिनरी लाइन्स एंड डायमेंशन लाइन्स, प्रोजेक्शन लाइन्स, लीडर लाइन्स, हेचिंग लाइन्स, आउटलाइंस, रिवोल्ट
और सेक्शन प्लस शॉर्ट सेंटर लाइंस, ये सब लाइंस जो भी मैं बता रहा हूँ वो लाइंस के बारे में और दूसरा वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा, लेकिन ये पहले उसका यूजर्स और जनरली एप्लीकेशन जान लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे ये वाला लाइंस, आप देख सकते हो ये वाला लाइंस सी में जो दिया है, कॉन्टिन्यूस थिन फ्री हेडेड लाइंस, फ्री हेडेड लाइंस सेम कॉन्टिन्यूस थिन बट फ्री हेडेड लाइंस, यहाँ पे ये ऐसे ऐसे से है फ्री हेडेड लाइंस। यहाँ पे ये लाइंस कहाँ पे यूज होता है, लिमिट ऑफ पर्सनल और इंटरप्रेटेड व्यू एंड सेक्शंस ऑफ लिमिट नॉट चेन थिन लाइंस, ये उसका एप्लीकेशन। नेक्स्ट डी पे दिया है, डी में क्या है, कॉन्टिन्यूस थिन लाइन स्ट्रेट विथ जिगजैग, यहाँ पे क्या है मिक्स है स्ट्रेट विथ जिगजैग, इसको जिगजैग बोलते हैं, यहाँ पे जो ये दिया है बीच में उसको जिगजैग बोलते हैं, स्ट्रेट देन जिगजैग देन स्ट्रेट देन जिगजैग। ये लाइन कहाँ पे यूज होता है, लॉन्ग ब्रेक लाइन, इसमें हम लॉन्ग ब्रेक के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे डिजायर्ड लाइन, डिजायर्ड थिक, डिजायर्ड थिक किस कहाँ पे यूज होता है, हिडन आउटलाइंस हिडन एजेस। नेक्स्ट देखेंगे डिजायर्ड थिन, ये डिजायर्ड थिक था देन डिजायर्ड थिन, उसका हिडन आउटलाइंस हिडन एजेस। नेक्स्ट चेन थिन, चेन थिन मीन्स आपका एक लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट इस तरह दिया है, वो लाइन्स कहाँ पे यूज होता है, चेन लाइन लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड ट्रेजेक्टरीज, ये यूज होता है उसका चेन थिन्स। देन उसके बाद एच पे दिया है जैसे ये लाइन्स ऊपर गैप देन लाइन्स, यहाँ पे चेन थिक थिक एट एंड ऑफ चेंज ऑफ डिरेक्शन, ये लाइन्स का नेम है। और ये लाइन कहाँ पे यूज होता है, कोटिंग प्लेन, कोटिंग प्लेन का ऊपर यूज होता है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखेंगे के पे, सॉरी जे, चेन थिक इंडिकेशन ऑफ लाइन्स ऑफ सरफेस टू व्हिच स्पेशल एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन मीन्स स्पेशल रिक्वायरमेंट अप्लाई जहाँ पे रहता है वहां पे ये वाला लाइन यूज होता है, जे वाला लाइन चेन थिक। नेक्स्ट देखेंगे क्या है हमारा के, चेन थिंक डबल डिजिट टेन चेन थिक डबल डिजिट लाइन और आउटर्स ऑफ एडजस्टेंट पार्ट्स अल्टरनेटिव एंड एक्सटर्नल पोजिशन ऑफ द मूवेबल पार्ट्स सेंट्रोडिकल पार्ट्स इनिशनल आउटलर पावर फॉर्मिंग पार्ट्स, ये सब पार्ट के लिए यूज होता है ये लाइन्स। ये वीडियो को पूछ करके ये पूरा टोटल लाइन्स नोट कर लीजिए, आपका जरूरत पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो, सॉरी नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वही लाइन्स का ऊपर, बट लाइन्स का कहाँ पे कौन सा लाइन यूज हुआ है मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ। जैसे सेंट्रल लाइन, यहाँ पे ये देख सकते हो ये एक सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन कैसे डॉट दिया है, इसका सेंटर दिया है और डॉट 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 मार के दिया है सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन कौन सा था हमारा, ये वाला लाइन सेंटर के लिए यूज हुआ है थी चेन थिंक, चेन थिंक, चेन थिंक लाइन सेंटर के लिए यूज हुआ है, जी वाला लाइन सेंट्रल लाइन के लिए यूज हुआ है, ये सेंट्रल लाइन। देन कोटिंग प्लेन लाइन, ये था हमारा कोटिंग प्लेन लाइन, ये है कोटिंग प्लेन लाइन, कोटिंग प्लेन लाइन कौन सा यूज हुआ है, ये वाला कोटिंग प्लेन लाइन यूज हुआ है, यहाँ पे दिया है हमारा कोटिंग प्लेन लाइन्स, ये वाला कोटिंग प्लेन लाइन्स के लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे जैसे लीडर लाइन्स, यहाँ पे उसका सब एग्जाम्पल देख सकते हो, लीडर लाइन्स, डायमेंशन लाइन्स कौन सा है, डायमेंशन लाइन थिक लाइन, थिक वाला यूज हुआ है डायमेंशन लाइन के लिए। सेक्शन लाइन मैं आपको बोल चुका हूँ, सेक्शन लाइन कौन सा था, यहाँ पे सेक्शंस के लिए यूज करते हैं, हैचिंग यहाँ पे ये सेक्शंस के लिए यूज करते हैं। ये टोटल यहाँ पे देख सकते हो डिटेल्स ऑल लाइन्स का यूजेस। फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो हमारा लाइन्स का ऊपर, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन्स और उसका एप्लीकेशन और डिफरेंट टाइप ऑफ पेंसिल्स और उसका थिक और थिन, तो ये सब हम इस वीडियो में देखे। अगर आपको इस वीडियो में का अंदर कुछ भी डाउट है और लाइंस के ऊपर कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जरूर कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और उसका पार्ट टू मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप देख सकते हैं वहां पे जाकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो को शेयर करने के लिए मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।